सरदार पटेल मार्ग पे खड़ा हुआ। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा जो है यहाँ से गुजरते हुए, और भारी संख्या में यहाँ पर लोग भी खड़े हैं जो कि लगातार उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए बिपिन रावत की अंतिम यात्रा, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अंतिम यात्रा इस वक्त हमारे पीछे से गुजर रही है। और आप देख सकते हैं कि लगातार गाड़ियों का काफिला यहां से गुजर रहा है और भारी संख्या में भीड़ भी यहां पर एकत्रित हुई है जो कि जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। यही वह वाहन है जिसमें बिपिन रावत के पार्थिव शरीर को लेकर जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार वो तस्वीरें हम आपको ईटीवी भारत पर दिखा रहे हैं। फूलों की बारिश भी लोग अपनी तरफ से यहाँ पर कर रहे हैं, और देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि यह बड़ा सा काफिला इस वक्त सरदार पटेल मार्ग से गुजरते हुए क्रेमेटोरियम की तरफ बढ़ते हुए, और देखिए सैन्य अधिकारियों की गाड़ियाँ इस वक्त हमारे सामने से गुजर रही हैं, और तमाम सैन्य अधिकारी, सभी सेनाओं के बड़े अधिकारी जो हैं इन वाहनों में क्रेमेटोरियम की तरफ बढ़ते हुए। और ये काफिला इस वक्त यहाँ पर दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग से गुजर रहा है जो कि दिल्ली कैंट जाएगा, और वहाँ क्रेमेटोरियम में जनरल बिपिन रावत को वहाँ पर पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। और देख सकते हैं आपके लगातार गाड़ियों का काफिला यहाँ से गुजरते हुए। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा, और अंतिम यात्रा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ईटीवी भारत पर। गाड़ियों का काफिला कई किलोमीटर लंबा, और अभी भी गाड़ियों के गुजरने का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ पर सड़क के किनारे कई किलोमीटर तक लंबी भीड़ एकत्रित हुई है जो कि जनरल को आखिरी सलामी देना चाहती है, आखिरी श्रद्धांजलि देना चाहती है। और आप हमारे सामने तस्वीरों में देख रहे हैं कि सैन्य अधिकारियों से भरी हुई गाड़ियाँ लगातार यहाँ से गुजरते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये सिलसिला लगातार जारी है। और सामने आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह से लोगों की भीड़ यहाँ पर एकत्रित हुई है जो कि जनरल को अपनी आखिरी श्रद्धांजलि देना चाहती है। ईटीवी भारत के लिए नई दिल्ली से मैं अभिजीत।